हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रूपा और आज मैं आ गई हूँ विंटर स्पेशल डिजर्ट रेसिपी के साथ और वो है गाजर का हलवा। विंटर के टाइम हर किसी के घर में बनते हैं गाजर का हलवा, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इजी ऑथेंटिक रेसिपी गाजर का हलवा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनते हैं इजी ऑथेंटिक रेसिपी गाजर का हलवा। लेट्स बिगिन। विंटर स्पेशल रेसिपी गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने ले लिया है गाजर और इसको बहुत ही अच्छे से फाइनली ग्रेट कर लिया है। और मैं इधर पे यूज़ कर रही हूँ रेड कलर वाला गाजर, उससे हलवा का कलर बहुत ही अच्छा आते हैं और स्वाद भी बढ़िया आते हैं। लेकिन अगर ये अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मल गाजर यूज़ कीजिए। उसके साथ ही साथ मैंने ले लिया है दूध 500 ml, चीनी 100 ग्राम, साथ ही साथ ले लिया है घी 2 टेबल स्पून, थोड़ा सा कैशू नट्स, इसके जगह पे कोई भी बादाम का यूज कर सकते हो, और मैंने ले लिया है 4 इलायची। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई और इसके अंदर अभी ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून घी और 1 टेबल स्पून लास्ट में यूज करूंगी। घी हमारी मेल्ट हो गए है, ऐड कर दूंगी गाजर और इसको अभी बहुत अच्छे से मीडियम फ्लेम में फ्राई करूंगी 10 मिनट तक। 10 मिनट तक इसको चलाते रहिए और फ्राई करते रहिए, इससे हलवा बहुत ही टेस्टी बनते हैं। 10 मिनट फ्राई करने के बाद देख लीजिए गाजर का कलर चेंज हो गए है, देख लीजिए। तो इसी टाइम में ऐड कर दूंगी चीनी। चीनी आप आपके स्वाद अनुसार दे दीजिए और मिलाते रहिए 10 मिनट तक, फिर से चलाइए। ये बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगते हैं लेकिन स्वाद बहुत ही बढ़िया आते हैं, घर में ज़रूर एक बार ट्राई करना। ऐसे मिलाते रहिए। चीनी अभी मेल्ट होना शुरू हो गए है, इस टाइम में फ्लेम को बिल्कुल लो में कर दीजिए और लगातार चलाते रहिए, से टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगी। 10 मिनट बाद देख लीजिए चीनी के साथ साथ गाजर हमारी बहुत अच्छे से पक गए हैं, कलर भी चेंज हो गए हैं, देख लीजिए। और इस टाइम में ना ऐसे अंदर में थोड़ा जगह कीजिए और उस जगह में ऐड कर दीजिए घी और घी के ऊपर ऐड कर दीजिए इलायची, इससे बहुत ही अच्छा खुशबू आते हैं और साथ ही साथ गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी बनते हैं। एक बार में घी का यूज मत कीजिए, दो बार में कीजिए, ऐसे तो स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगी। देख लीजिए फ्लेम को लो में ही रखिए, ये स्लो मेथड कुकिंग है तो फ्लेम को लो में रखे ही कुक कीजिए। ऐसे हल्का सा फ्राई हो जाए, देख लीजिए इलायची और अभी मिला दीजिए, मिला के फिर से 10 मिनट के लिए फ्राई कर लीजिए। गाजर को जितना फ्राई करोगे उतना ही टेस्ट बढ़िया आएगी। अभी टोटल 30 मिनट बाद देख लीजिए कैरेट कितने अच्छे से रेडी हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया कलर आ गए हैं। तो अभी इस टाइम मैं ऐड कर दूंगी कैशू नट्स और मिला दूंगी और फिर से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लूंगी। अगर आप लोगों को बादाम फ्राई पसंद है तो फर्स्ट में भी दे सकते हो, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ। देख लीजिए 5 मिनट बाद कैरेट में जब ऐसे एक ग्लॉसी फिनिश आ जाए, ऊपर से घी निकलने लगे, तो इस टाइम मैं ऐड कर दूंगी दूध। अभी ऐड कर दूंगी दूध। दूध ऐड करने के बाद मिला दीजिए ऐसे। अभी हलवा को चलाते रहिए जब तक दूध हमारी हलवा के साथ पूरा के पूरा एब्जॉर्ब ना हो जाए, ऐसे चलाते रहिए। देख लीजिए कितना अच्छा कलर आया है ना, और दूध पूरा के पूरा एब्जॉर्ब हो गए है, ऊपर से घी निकल आ रहे है, तो हमारी गाजर का हलवा एकदम रेडी है। चलिए साफ कर देते हैं। देख लीजिए हमारी टेस्टी गाजर का हलवा भी एकदम रेडी एंड सर्व्ड। कैसी लगी मेरी ये रेसिपी,
अगर अच्छी लगी ना तो मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इतने अच्छे अच्छे रेसिपीज के नोटिफिकेशन के लिए नीचे बेल बटन को भी दबा देना। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।